ये देखो गाइस, आन्या भगवान जी का सारा केला चढ़ा रही है। आते हैं तो फिर वो खाना खा के थोड़ा काम करते हैं ऑफिस का, फिर वो 11 बजे एडिटिंग करते हैं। हेलो, थैंक यू, पहचान लिया आपने। देखती हूँ उनका कैसा शक्ल बनता है, बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। अरे यार, तुम मजाक कर रही थी क्या मेरे साथ? नहीं, क्या बोली? अरे अभी बहुत काम है चिंपी, लेट होगा रोज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज काफ़ी लेट हो गया हम लोग को सो के ही उठने में, क्योंकि चिंपी का भी थोड़ा तबीयत डाउन था, आने का स्कूल बंद था तो मैं सो के रह गया। बड़े ही बस, चलो आज तो ऑफिस जल्दी निकलना है, बाहर मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है और ऑटो भी आई हुई है, चलते हैं। सो गया, ये देखो बारिश होगा लगता है, चलो चलो। लो यार, बारिश भी शुरू हो गया, अभी हल्का हल्का झीसी जैसा है, बिल्कुल धीमे 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 धीमे। इस राजीव चौक वाले स्ट्रेच की तो हालत इतनी बुरी है ना, रोज सुबह अटकेगा कोई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सौरभ बस उनका बहुत जल्दी मीटिंग था ऑफिस का, तो वो निकल गए फटाफट और लेट भी हो रहा था। और आज का मौसम बारिश वाला हो गया, देख रहे हो ना कैसे बारिश हो रहा है एकदम। और आज मैं भी लेट से सो के उठी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, अजीब सा मौसम भी हो रहा, पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। तो आने का स्कूल भी नहीं था तो मैं सो ही रह गई, मतलब दवा लिया, 3 बजे उठी, दवाई खाई और सो ही रह गई। मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, एकदम आलस जैसा लग रहा था, सर में पेन, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था एकदम। तो चेहरा सा भी दिख रहा होगा आपको, सूजन जैसा लग गया पूरा। तो अभी वो किचन का सारा जो टूट गया था ना, वो भैया भी बनाने के लिए आए हैं, देखो। तो अभी किचन में बन रहा है, तो अभी खाना वाना भी कुछ बनाने हैं, भैया एक बार बना के जाएँ, उसके बाद फिर करते हैं। सौरभ को डब्बा भी नहीं दिए आज, एकदम इच्छा ही नहीं किया उठने का, वो ऐसे भी उनका मीटिंग था तो बोले आज खाना बाहर ही खा लेंगे, रहने दो। ये देखो गाइस, आन्या भगवान जी का सारा केला चढ़ा रही है, पूजा कर रही है। हो गया, चढ़ा दी सारा? अरे वाह, गुड गर्ल, चलो प्रणाम कर लो। हो गया, चलो इधर है, स्लीपर इधर है। गाना नहीं बेटा, आपको पापा मना किया ना गाना देखने से? नो, अभी आप तब तक ड्राइंग कर लो, कल जो आपको सन बनाना था ना। नहीं आन्या, नहीं फिर हम डांट नहीं सुनेंगे पापा। आन्या थोड़ी देर दे दिए ना, आज आन्या का छुट्टी है ना, आज पूरा मस्ती के मूड में है एकदम, है ना। चलो अभी चाय बना रही हूँ, आन्या तुम्हारे लिए कुछ बना रहे, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ देखो। आप बोल रही थी ना बहुत दिन से बना दो मम्मी, बना दो, ये देखो आन्या का पसंद का सेवई बना रहे हैं गरम। हम मम्मी और मामूनी, तीनों लोग इस टाइम पे चाय पीते हैं, एकदम गर्मा गर्म चाय। चलो दोस्तों, हम भी खाना खा रहे हैं। तो आज ज़्यादा कुछ बना नहीं है क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया ना गाइस। मैंने पूरा फिनिश कर दिया। क्या फिनिश की? पूरा दाल चावल और कुंदरी और दही। देखो आज दाल चावल और कुंदरी का भुजिया और मिर्च का अचार। मुझे नहीं पसंद, बस आज सिंपल सा ही खाना है गाइस। मुझे नहीं पसंद है, मेरा पानी दो होगा क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है, कुछ खाना खाने का कोई राजमा नहीं बन पा रहा, इसलिए। आने को बहुत राजमा पसंद है, ये चाहती हूँ ना, हर दिन। अब मुझे नहीं पसंद, अभी मैं स्टार्ट नहीं की हूँ, अभी राजमा नहीं खाती हूँ। देखो आज अभी थोड़ी देर पहले ना नौटंकी करी थी कि राजमा चावल ही खाना है। खुद से दिखाओ क्या कर रही हो, दिखाना एक बार आन्या। देखो अभी लिखी है खुद से, कैट मैट और क्या लिखी है? मैट बैट। तो अभी ये मैंने खुद से लिखना अपने से, अब मुझे राइटिंग में आ गया है। चलो गाइस, यही है कि मतलब सौरभ का काम थोड़ा है, ऑफिस का काम तो देखो रह गई, तो आजकल वो कम ब्लॉग में आ रहे हैं, इसके लिए यार सॉरी। आप लोग फिर भी आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, मैं कंटिन्यू करने का कोशिश करती हूँ पूरे दिन, जितना हो पाता मैं अपने से अच्छा ब्लॉग बनाती हूँ। और क्योंकि रात के 9:30-10 बजे तक अगर घर आते हैं तो फिर वो खाना खा के थोड़ा काम करते हैं ऑफिस का, फिर वो 11 बजे एडिटिंग करते हैं, तो फिर करते करते यार 1 बज जाता है, सारा चीज़ थंबनेल और वीडियो अपलोड करना सब करना।
एक्टर बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग जैसा है आप लोग दिल से देखो और कमेंट करो ताकि हम लोग और अच्छा ब्लॉग बनाएं। और गाड़ी बन के आता है तो फिर हम लोग थोड़ा और भी अच्छा फील करेंगे क्योंकि उसके कारण ना बंद गए हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, मतलब बहुत सारा ये हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है। बच्ची को लेकर निकलना भी मुश्किल है, वेदर भी ख़राब हो रहा है, तो मैं घर का जो भी हूँ वो मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ। तो चलो गाइस ये सब तो बातें हैं, एंजॉय करो हमारा ब्लॉग, देखो और कमेंट करो। अच्छा अच्छा क्या हुआ, तुम घर क्यों आ गई? अरे पता नहीं बारिश वहाँ हो रहा है, हम दीपक सर भी नहीं आ रहे और रिची सर भी नहीं आ रहे। तुम क्लास पे कोई नहीं है, बाहर नहीं है कोई भी पार्क में? नहीं। देखो गाइस इसको भेजे थे अभी फिटनेस क्लास, अभी वापस चली आई कि कोई नहीं है। चलो मैं कॉल करके पता करती हूँ पहले क्या है। ये देखो प्याज फ्राई हो गया है और मैंने यहाँ पे मिर्ची और अनारदाना का पेस्ट बनाया है और थोड़ा सा अदरक इसमें मिक्स करूँगी। आज बन रहा है दोस्तों छोले। ये देखो काफी चने मैंने खुला के रखा था, आने को भेज दी हूँ क्लास। गले में सरक रहा मिर्ची जो इतना पीस के डायरेक्ट तुम खोलो जाके सीधे नाक में गले में लगता है। क्लास होते छोले बनाते हैं क्योंकि आने को भी पसंद है और हेल्दी भी है ना, काफी चना खाओ तो अच्छा भी है, तो बीच बीच में खाना चाहिए। तो चलो इसको बनाते हैं फटाफट, टाइट करते हैं, जब पूरा बन जाएगा तो फिर दिखा। ये देखो दोस्तों मसाला एकदम तेल छोड़ दिया है, इसको अच्छा से भूज लिया है। अब इसके अंदर ये छोला जाएगा, बॉईल छोला डाल देते हैं। आज सौरभ को पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, आज आन्या को भी नहीं पता है क्या बन रहा है, सब सरप्राइज हो जाएंगे कि छोला भटूरा बन रहा है। बस आपको बता रहे हैं, आपको और बस मामूनी को पता है। मामूनी मेरी जासूस है, किचन में हर बात वीडियो से पहले सुनती है और इधर आस भी रही। क्योंकि सब रोज रोज रोटी खा खा के बोर हो जाता है, तो अच्छा भटूरा बना है। तो चलो छोला तो तैयार हो रहा है क्योंकि टाइम लगता है बनने में, देखो अभी जा रहे तब तक भटूरा का आटा लगा लेते हैं। ये देखो मैंने चुटकी से थोड़ा नमक डाला और चुटकी से चीनी डाला और इसमें थोड़ा मैं डाल रही हूँ एक पैकेट ये इनो, बस ये इनो डालूँगी और इसी से तीन चम्मच दही लूँगी और मिक्स करके आटा लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। नहीं क्योंकि भटूरा नहीं फुला तो सब लोग मुँह फुला लेंगे, कैसा भटूरा बनाई रोटी सही बोल रही थी मामी, भटूरा अगर नहीं फूलेगा तो सब लोग मुँह फुला ही लगा ना। सही बोला है, बोलेगा भटूरा बना पूरी बना खुला ही नहीं, सब लोग मुँह फुला लेगा, खास करके सौरभ तो सबसे पहले, मम्मी तो सब खा लेगी तो सौरभ सबसे पहले करेंगे। ये देखो दोस्तों ये मसलिन क्लॉथ वाला कपड़ा लगा दिया है, थोड़ा गीला करके आटा लग गया, इसको आटा को ढक के थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे ताकि जब बनाए तो ये पूरा फूल जाए। देखो गाइस आने का भी क्लास और बचा है 10 मिनट्स, ख़त्म ही होने वाला है। एकदम सर बोलते हैं एकदम लेजी लड़की है, जहाँ देखती है मौका वहाँ गप मारना स्टार्ट कर देती है, अभी फाइनली करना शुरू कर रही है। कोई बात नहीं, न्यू आएगा, आप कर लो फटाफट, पहले एक्सरसाइज करो। ऑफिस से निकल रहा हूँ तो सोचा थोड़ा फल भी ले लूँ, अच्छे फल दिख रहे हैं, देखे जरा रेट क्या है। सारे फलों का रेट इतना ज़्यादा हो गया ना, सेब 290 रुपये, ये आम हो गया मेरा, आम दे दो। चलो यार आलू बुखारा भी ले लें, भैया तो इतना महंगा रेट बता रहे हैं ना, महंगा आ रहा भैया, महंगा तो यार मतलब अब क्या बोलें। चलो थैंक यू, पहचान लिया आपने। हाँ गाड़ी की डिलीवरी के दिन थे आप, अच्छा चलो थैंक यू। मेरी गाड़ी भी दिखा रहा है कि आ गई है बट कहाँ है वो नहीं दिख रही मेरे को। बहुत बढ़िया, ट्रैफिक भी कम है, कम है ना, या है या? है ट्रैफिक, ट्रैफिक है बाहर से लोगे क्या, बाहर से लेके फिर अंदर हाईवे पे ले लेना। मगर तुम्हें गुस्सा भी आता है, देखो ये मेरी फ्रेंड मेरा ब्लॉग देख के पूरी गुस्सा भी आता है, बताओ किस इंसान को गुस्सा नहीं आ सकता है। मतलब हम इनको रोज दिखते थे कहती तुम्हें गुस्सा नहीं आए, वो सरप्राइज किसी में गुस्सा करती है, कि तुम्हारा ब्लॉग देख के देखो तुम गुस्सा भी करती हो, गुस्सा भी करती हो क्या, मतलब ना हमें गुस्सा नहीं आता।
देखो गाइस गुस्सा तो आता है, मतलब हम मतलब सच मतलब ये ऐसे लगा कि मैं झूठ मूठ का, सच में मुझे लगा झूठ मूठ का है। देखो क्या हस्बैंड लोग को पढ़ाने का नहीं है क्या, हमें हम ही पढ़ाते रहे रीके ने, तो देखो सही था वो थोड़ा सा तो लेके बैठो, तो मैं वही बोल रही थी कि थोड़ा पढ़ा लो। चलो चलो बाय बाय, मैं जल्दी लू भाई। ऑफिस से निकलते इतना जोर का सूसू लगा ना, और पता नहीं जैसे ही सोसाइटी में घुसा हूँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई अब नहीं होगा बर्दाश्त। बस बस अभी जैसा रहे, बहुत जोर का लगा है हमको सूसू। चलो गाइस घर चलते हैं, सौरभ तो आज जल्दी आ गए, मेरे को लगा कि लेट होगा पर आज वो जल्दी आ गए हैं घर। अभी जाते हैं, मैं अच्छा के बोलूँ कि उनके हाथ में मर गीला चावल मतलब गीला चावल और आलू का चोखा बनाएंगे, देखती हूँ उनका कैसा शक्ल बनता है, बिल्कुल उनको पसंद नहीं है खाने के प्रति, तो मतलब ऐसा है कि पूछूँ खाएंगे ना मर गीला चावल चोखा, बनाए नहीं खा गए तो मन ही नहीं हो रहा खाने बनाने का। चलो कोई नहीं खा लें बना। बस तबियत, चलो हम थोड़ा पूजा कर लें। पर एक मिनट एक मिनट, तुम बोली मर गीला चावल है? तुम मजाक कर रही थी क्या मेरे साथ? हम सोचे छोला बने। ओ भाई ओ तेरी, आके देखिए चम्मच, बहुत तुम बदमाश हो यार, बहुत ज्यादा बदमाश हो। देखिए दोस्तों कैसा रिएक्शन है यार, बहुत बदमाश है ये। हमसे बोल रही है मड़गिल्ला चावल, हम तो किचन में घुसे नहीं, हम खाली ये देखे कि यहाँ वाला ठीक हो गया, वही हम सब बनवाया। हाँ वही हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारा काम। बड़ा दुख हुआ यार, मतलब विनेश फोगाट का सुन के, 100 ग्राम कैसे आपसे सोना छीन सकता है, मतलब सोचो आप ओलंपिक में गोल्ड लाने का, मतलब शिवस दावेदार जो है बड़ा प्रमुख दावेदार थी, मतलब सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ गया उसके कारण डिस्क्वालीफाई हो। देखो भाई पहला भटूरा तलाने जा रहा है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। खुला खुला खुला, अरे गजब गजब जबर। गजब नहीं फूलेगा, कैसे नहीं फूलेगा, फूलेगा कैसे नहीं, जबरदस्त। ओ ओ भाई क्या खतरनाक बनाई है सिंपी, संजीत का बर्थडे भी है। हाँ संजीत तुम्हारे लिए देखो छोला भटूरा, तुम्हारे बर्थडे के लिए। लो भाई तुम्हारी दीदी के तरफ से, वेरी नाइस। आप सोचेंगे दोस्तों बस पहला भटूरा तल के दिखाई, सबने दिखा रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों, सारा भटूरा देखो फूल रहा है। देखो भटूरा फूलने से मतलब है कैसा बन रहा है, कैसा मेरा वो देखना जरूरी नहीं है, है कि नहीं? बिल्कुल है ना। अरे हमको पता चल रहा है खतरनाक भटूरा, हमको पता चल रहा है कि आप लोग के मुंह में बहुत पानी आ रहा है, तो जाइए आप लोग भी अपने किचन में बनाइए, नहीं तो मैं आपको यहीं से, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको यहीं से खिला रही हूँ पक्का। मुंह में पानी आ रहा होगा पक्का। ये देखो सौरभ प्याज वाज भी काट दिए हैं, मम्मी का अब निकालता है ना। चलो ये देखो अभी जो है ना मम्मी का छोला बना रहे हैं, इसमें देखो थोड़ा इमली पानी प्याज धनिया हरी मिर्च और ये अभी ताजा पिसा हुआ जीरा। लो माँ, ओ भाई सेवई भी बनाई है, बताओ आज क्या है सिंपी? बाप रे सही में आज हम कुछ लेके नहीं गए तो सरप्राइज इतना बड़ा है कि कल का भी हो जाएगा लगता है मेरा डब्बा। लाओ सेवई सिंपी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाई हो यार, सही में बहुत टेस्टी। देखो सबको खिलाने के बाद अभी खा रही है ये, खाओ यार जल्दी।
भटूरा भी ठंडा हो गया। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा व्लॉग सच में पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ व्लॉग स्टार्ट करते ही हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपका दिल करे तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए, बट लाइक करना मत छोड़ना दोस्तों। और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्त, मिलते हैं हम आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय फॉर नाउ।